योगा इज गुड, इनफैक्ट वेरी गुड। इससे बॉडी और दिमाग दोनों शांत रहते हैं। बहुत अच्छी चीज है, मैं भी करता हूँ, रोज करता हूँ, सबको करनी चाहिए। हो गया? हाँ हो गया होगा ना, इतनी देर से जो कर रही हो। वैसे तुम्हारा दिमाग भी शांत हो गया होगा ना? तुम यहाँ मेरी योगा पर कमेंट करने आए हो या फिर? बच गया। हेलो, हाँ हाँ शिव पांडे बोल रहा हूँ। क्या दो कूपन्स डिनर के? ओके, कहाँ? अच्छे से रेस्टोरेंट में। क्या नाम है? पिंक स्पैरो। नहीं नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए यार कूपन्स। मैं कूपन्स लेके नहीं जाता हूँ डिनर करने। हाँ हाँ ओके बाय। मैंने मना कर दिया, इतनी गरीबी वाले दिन थोड़ी ना है जो कूपन्स लेके डिनर करने जाएंगे कहीं भी, है ना? दोबारा एक बार। हाँ हाँ भाई, मना किया ना, मुझे नहीं चाहिए कूपन्स। कूपन्स लेके डिनर यार, अकेले नहीं जाऊंगा ना मैं, मेरे साथ कोई और होना भी चाहिए ना। हाँ पर अगर मेरे को कोई भी मिलेगा ना मेरे साथ जाने के लिए, या मिलेगी तो मैं कॉल करूंगा, इसी नंबर पे कॉल करूंगा। हाँ ठीक है। जबरदस्ती लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। आई कैन अफोर्ड अ डिनर विद अ प्रीटी क्यूट लेडी। लेडी थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा, क्यूट गर्ल लाइक यू। तो चले रेस्टोरेंट। किस लिए? इतनी देर से यही तो बात कर रहा था यार, रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। ना, अब थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। शेफ, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। माय प्लेजर। लेकिन मैं आज डिनर पर नहीं आ सकती। पर बात पे इतना जोर से हंसने की क्या जरूरत है? वो तू होशियारी दिखा रहा था और गौरी ने तुझे पकड़ लिया ना? पकड़ा नहीं यार, पर हाँ वो उसने साथ डिनर करने से रिफ्यूज कर दिया। अब तू क्या चाहता है? तेरी मदद। नो वेज डूड, तेरे चक्कर में ऑलरेडी मैं वो पिंक स्पैरो रेस्टोरेंट का वो कूपन वाला बन गया था। अगर गौरी को पता चलता ना तो मुझसे कभी बात नहीं करता। संत, तुझे इतना बुरा लगेगा अगर गौरी तुझसे बात करना बंद कर देगी? सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अभी गौरी को कॉल करके सब बता देता हूँ कि तू मेरे साथ शामिल है। हाँ सुना, गौरी को क्यों इन्वॉल्व कर रहा यार, उसकी नजर में मेरी रिस्पेक्ट है। एग्जैक्टली, उस रिस्पेक्ट के लिए ही तो मैं तुझे ये सब करने के लिए कह रहा हूँ ना। इट्स वेरी सिंपल, तुझे ना गौरी को बस इतना सा समझाना है कि जो शिव है ना, शिव ना बहुत ही वो सीधा। हाँ सीधा, और शिव ना सीधे होने के साथ साथ थोड़ा सा वो करेक्ट मैन। तू कितना इंटेलिजेंट है, यही फायदा होता है एक अकलमंद दोस्त होने का। अकलमंद तो मैं बचपन से हूँ बेटा, पर जो ये तू बोल रहा है ना, मैं ये गौरी को नहीं बोलने वाला। ओए, प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम मेरी नहीं तेरी है, जो तू दो दो लड़कियों को घुमा रहा है ना, तू दोनों को बेवकूफ बना रहा है। मैं गौरी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। तो तू तुल्लिका को बेवकूफ बना रहा है ना? देख पकड़ लिया ना। अबे तू क्या मेरे साथ वो गेम खेल रहा है कोई आइस पाइस टाइप, मतलब पकड़ लिया ना यार, कैसे समझाऊंगा तुझे यार मैं। चल बताता हूँ, मैं गौरी को यार सीरियसली चाहता हूँ। अमीन, मैं जानता हूँ मैंने उसके साथ गलत किया, जो गलत किया उसके लिए मैं गिल्ट फील करता हूँ, और मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। इसीलिए तो उसे रेस्टोरेंट ले जाना चाहता हूँ यार, उससे बात करना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा, उससे बात करूंगा, उसे माफी मांगूंगा, और आई थिंक सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब देख, तूने मेरी मदद की ना, अगर मदद की तो ठीक है, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो तेरा भी भला नहीं होगा, और तेरा भला नहीं होगा तो तू जानता है तेरे साथ। ओके, मैं बात करूंगा। ओए होए लाले की चांद, यही उम्मीद थी यार तेरे से। तू तो ही इकलौता दोस्त है मेरा मुंबई में। अच्छा टेंशन मत। बाय बाय बाय। आराम से संत, आराम से, खाना कहीं भागने नहीं वाला है, तुम आराम से भी खा सकते हो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया एक्सरसाइज के बाद, सिर्फ 6 अंडे, 1 बॉल फ्रूट्स और ये अपना प्रोटीन शेक, बस बहुत भूख लगी मुझे। खाओ खाओ। तुमने क्या सोचा सन? एक्चुअली
मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है, शिव ने मुझे डिनर पे ले जाने के लिए तुमसे क्यों सिफारिश करवाई? दोस्त है तुम्हारा? हाँ? मेरा भी है। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि अब एक मिनट आज ना शिव सुबह घर आया था और ना मुझे डिनर पे ले जाने की बातें कर रहा था और कौन सा रेस्टोरेंट था वो, अब हाँ अब पिंक स्पैरो रेस्टोरेंट, उससे ना उसे कुछ फ्री कूपन्स के लिए कॉल्स भी आ रहे थे। राइट एग्जैक्टली, उसने मुझे बताया था इसके बारे में, शायद इसीलिए, शायद नहीं, वो पक्का इसीलिए, पक्का इसीलिए। बस सर, मुझे ना सब समझ में आ गया, ये ना कोई कूपन का चक्कर नहीं है, उसे बोलो कि मुझे बेवकूफ ना बनाए। वैसा नहीं है, शिव इज वेरी शरीफ, सीधा, अच्छे दिल का। हाँ, तो मैं डिनर पक्का समझूं शिव के साथ? नो थैंक यू फॉर द लंच, एंजॉय योर मील, बाय। हे भगवान।